यमुनोत्री धाम से निकल के हमारा अगला डेस्टिनेशन था गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम का रास्ता सबसे ज्यादा सीनिक है। हर 5 से 10 मिनट के बाद में आपको वाटरफॉल दिखेंगे। और मजे की बात तो यह है कि आपको कोई भी हाइक नहीं करनी इन वाटरफॉल्स को देखने के लिए। गंगोत्री धाम का रास्ता हर्षिल वैली से होके जाता है, जो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह है। यमुनोत्री जैसे गंगोत्री धाम में कोई ट्रैकिंग नहीं है। आप यहाँ पे आराम से गाड़ी लेके आ सकते हो। पार्किंग से कुछ ही दूरी पर मंदिर है। गंगोत्री पहुंचते ही सबसे पहले हमने माँ गंगा के दर्शन लिए। बहुत ही सुकून था वहां पे। अगर ये यात्रा आप लोग अगस्त या सितंबर महीने में करते हो तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। पर हाँ, लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा रहेगा यहाँ पे। मंदिर के अंदर माँ गंगा की मूर्ति है। गंगोत्री धाम के आसपास घूमने के लिए कई जगह है। हम सबसे पहले गए थे सूर्यकुंड। पुराने मान्यताओं के हिसाब से सूर्य की पहली किरण इसी कुंड पर गिरी थी। आगे हम लोग पांडव गुफा के लिए निकले थे। रास्ते में ही आपको GMBN का टूरिस्ट लॉज भी दिखेगा, जो कि सूर्यकुंड से काफी नजदीक है।
बहुत सारे लोग गंगोत्री आने के बाद में गोमुख का ट्रैक भी करते हैं। गोमुख नहीं जा पाएंगे ना यार, कल सुबह ही निकलना है। हाँ बट यहाँ से 19 किलोमीटर है गोमुख। हाँ वही, अभी हमको पहले पता नहीं था, नहीं तो गोमुख कर लेते थे हम लोग भी। बम्बई से तो गोमुख करा था? अच्छा, कितना रुपए लेता है गोमुख का? पर पर्सन पर डे तो एक दिन स्टे भी करना पड़ता है वहाँ पे? नहीं, दो दिन में तो ठीक ही है। तो वहाँ पे स्टे कराने के टाइम पे फिर खाना पीना वो सब तुम ही अरेंज करते हो? गोमुख के वहाँ पे खाना मिलता है? अच्छा। अब पांडव गुफा की मान्यता ये है कि पांडव जब कैलाश पर्वत की यात्रा पे निकले थे तब उन्होंने यहाँ पे आके ध्यान किया था। गंगोत्री में हम लोग पंजाब सिंध क्षेत्र में रुके थे, जो मंदिर के एकदम करीब है, जहाँ के बालकनी से आप रोज शाम की आरती भी देख सकते हो। इस रूम को हमने yatradham.org से बुक किया था, जिसका किराया हमें लगभग 2000 से 2200 रुपये लगा था। पंजाब सिंध क्षेत्र में रोज शाम को साधुओं को दूध देकर उनकी सेवा की जाती है। शाम के समय गंगोत्री में माँ गंगा के पास भजन होते हैं और उसके बाद गंगा आरती। सच मानो इससे ज़्यादा सुकून कहीं नहीं।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक घूमते रहिए, और हाँ, अपने साथ अपनों को भी घुमाते रहिए।